हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO का, जो कि 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। हालांकि कल मैं वीडियो देने वाला था पर मैं नहीं दे पाया, क्योंकि अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मतलब घर से बाहर हूँ। इस कारण क्या है कि मैं वीडियो नहीं दे पाया टाइम पर वीडियो ज़रूर आएगा, इसकी टेंशन मत कीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों, इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है और इसका सेक्टर कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों, जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों, जानेंगे इस IPO की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं। तो 16 रुपये पर शेयर चल रहा है, 600 शेयर का लॉट है, 9600 रुपीज़ हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फ़ायदा बता रहा है, मतलब 9600 रुपये। करीबन परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 64% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। एक लॉट के अंदर 15,000 रुपये लगाने हैं, इस हिसाब से 64% इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ही बम्पर चल रहा है। पर अभी हमें ग्रे मार्केट के प्रीमियम के पूरे भरोसे नहीं रहना है। पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, डिमांड कैसी मिलती है, और पहले दिन का ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए, उसके बाद अप्लाई करने का सोचिए। यही सेफ तरीका है अप्लाई करने का, क्योंकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो मैनिपुलेट हो सकता है, कोई भी कुछ भी डाल सकता है। पर अभी डिमांड अच्छी है ओवरऑल, पर फिर भी आपको देख के सेफ्टी से अप्लाई करना चाहिए। तो डेली आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर वैसे अपडेट मिलता रहता है, अभी मैं बाहर हूँ तो डेली अपडेट नहीं मिल पा रहा है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, और ऐसे IPOs वगैरह में अप्लाई करने के लिए आपके अलॉटमेंट के चांसेस अगर बढ़ाने हैं घर के अलग अलग फैमिली मेंबर से अप्लाई करना है, तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। फिर दोस्तों, जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है 2016 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 6 से 7 साल पुरानी ही कंपनी है। और ये कंपनी जो है बैंक है, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एक तो बड़े बैंक होते हैं जैसे SBI, ICICI, एक्सिस, ये बड़े बैंक आते हैं, और ये छोटे बैंक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कैटेगराइज होता है, और बैंक का जनरली आपको काम पता ही है कि जो पैसे जमा करते हैं उस पर हमें ब्याज मिलता है, और क्या है कि आगे अब जो हमारे पैसे जमा हुए होते हैं उससे क्या है कि आगे लोगों को जिनको लोन चाहिए होता है उनको लोन देती है, तो वहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा ब्याज लेती है, और इसी ब्याज का जो अंतर होता है, मतलब जो इंटरेस्ट का अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वही इसकी कमाई होती है। मतलब ये पैसे जो कमाती है इंटरेस्ट से पैसे अर्न करती है, कोई भी बैंक इसी तरह से ही अर्न करती है, ठीक है। मतलब हमारे पैसे जमा करेगी और दूसरों को लोन देगी, लोन से पैसे कमाई होती है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो छोटे बैंक होते हैं, तो ये जो है लोन दे सकती है, इसकी जो कैपेसिटी है 50 करोड़ तक का ये लोन दे सकती है, समझ गए। तो बाकी अगर बड़े बैंक देखें तो वो SBI है, ICICI है, छोटे बैंक के अंदर देखें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और बाकी ये सारे टाइप के लोन देती है, हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन वगैरह सारी चीज़ें देती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया हो कि कंपनी क्या काम करती है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे आसान वीडियोज़ बनाने का, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर दोस्तों, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में अगर बात करें, 2020 से लेकर 2023 तक 4 साल का जो फाइनेंशियल्स है, इसके एसेट्स लगातार बढ़े हैं, जो कि पॉजिटिव बात है। रेवेन्यू के अंदर लगातार ग्रोथ है, ये भी पॉजिटिव बात है, और बाकी अगर इसका प्रॉफिट देखें तो वो भी लगातार बढ़ा है। पर 2022 के अंदर थोड़ा सा इसका प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ था, मतलब घटा था, पर लॉस मेकिंग नहीं हुई पर घटा था। बाकी इसकी ग्रोथ ठीक है, ओवरऑल इसके फाइनेंशियल अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, रिजर्व कैश इसके हाथ में 1104 करोड़ रुपये के हैं, और इसके बोरोइंग्स अगर देखें तो 2300 मतलब 2300 करोड़ रुपये की बोरोइंग्स है। तो ये बोरोइंग्स जो है नॉर्मल होती है, क्योंकि कंपनियां जो है जितने भी बैंक्स होते हैं उनके ऊपर डेप्ट होता है, डेप्ट ये होता है कि जो हमारे पैसे जमा करती है तो उनके ऊपर डेप्ट ही है। तो नॉर्मली जो इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो करीबन आ रहा है अभी लगभग 8 का, और नॉर्मली दूसरे बैंक का भी देखें तो उनका भी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग सेम ही आता है। अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखें तो 8 का है, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 14 का निकल कर आता है। मतलब लगभग सबके ऊपर डेप्ट होता है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो सबका है ही होता है, तो ये वाली तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मतलब ख़राब नहीं है इसके फाइनेंशियल्स। फिर दोस्तों, इसके पीयर कंपटीटर से भी इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो 6.78 का है। तो वैल्यूएशन वाइज देकर देखें, बाकी इसके जो पीयर कंपटीटर्स जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सर्वोदय फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो उनसे सही वैल्यूएशन से, मतलब ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन नहीं कह सकते। हालांकि कुछ कंपनियां इनसे काफ़ी बड़ी है, AU काफ़ी बड़ी कंपनी है ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से, तो सबको एक जैसा तो कंपेयर नहीं कर सकते, पर फिर भी देखा जाए जो मार्केट में अवेलेबल कंपनीज हैं उनसे सही वैल्यूएशन है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं कह सकते, ना ज़्यादा सस्ती है ना ज़्यादा महंगी, जब अपनी इसकी वैल्यू है उस हिसाब से सही वैल्यूएशंस पर ये आया है, ठीक है।
अब दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने, तो 12 से लेकर 14 जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 23 रुपये से लेकर 25 रुपये के बीच में। ये थोड़ा सस्ता नज़र आ रहा है पर फेयर वैल्यूएशन है, मतलब ज़्यादा सस्ता भी नहीं कह सकते, फेयर वैल्यूएशन है। 600 शेयर का ये लॉट है और इसका जो इश्यू साइज है वो है 500 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है जो कि इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए काम आएगा और बाकी जो ये अभी आईपीओ लेके आ रहे हैं उसके अंदर जो भी खर्चा होगा उसको उसके लिए काम लेंगे पैसे। तो ठीक है, फ्रेश इश्यू है तो ये कंपनी के लिए काम आ सकता है। फिर दोस्तों इसका जो रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का रखा गया है, हालांकि कंपनी जो है लगातार 4 सालों से प्रॉफिट के अंदर है तो भी रिटेल पोर्शन हो सकता है छोटी कंपनी हो और 2022 के अंदर जो इसका प्रॉफिट है वो कम हुआ था, इस कारण हो सकता है कि इसका रिटेल पोर्शन 10% रखा गया हो, बाकी रखना नहीं चाहिए, ओवरऑल फाइनेंशियल्स ठीक है इसके। तो दोस्तों ये हो गई सारे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उससे पहले आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है, तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। करके अलग अलग फैमिली मेंबर्स से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े बढ़ते हैं, तो एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिए। तो दोस्तों अब सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी अच्छा चल रहा है, प्राइस बैंड वाइज सही है और सस्ता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पहले दिन का हमें सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखना चाहिए। तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन की जानकारी वैसे मैं आपको दे दूंगा और नहीं भी आ पाए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन देखिए, उसके बाद ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए और देखिए कि इसकी डिमांड कैसी है पहले दिन, उसके बाद अप्लाई करने का सोचिए। आज की तारीख में अगर डिमांड देखें तो करीबन 9600 रुपये एक लॉट पर फायदा बता रहा है, करीबन 9 से 10 हज़ार रुपये के बीच में एक लॉट पर फायदा है, करीबन 64% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम, तो काफ़ी ज़बरदस्त माना जाता है और तो अप्लाई करने जैसा नज़र आ रहा है। पर फिर भी पहले दिन का सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख के ही अप्लाई करने का डिसीजन लीजिए। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो सेक्टर कोई यूनिक नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक या चाहे बैंक हो, तो कंपटीशन बहुत हाई है और सेक्टर भी कोई यूनिक ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको हम होल्ड कर सकें। पर फिर भी इसकी वैल्यूएशंस जो है महंगी वैल्यूएशंस नहीं है, सही वैल्यूएशंस पर आया है, तो थोड़े टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं और मतलब ओवरऑल ठीक नज़र आ रहा है। तो चाहे तो आप होल्ड करें, तो चाहे आप ना होल्ड करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यूनिक सेक्टर नहीं है, आपके पास ऑलरेडी किसी बैंक के शेयर हो तो अलग बात है। और इसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि इसकी वैल्यूएशंस अच्छी है, बाकी सेक्टर कोई यूनिक नहीं है। ठीक है, सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है, तो फेयर वैल्यूएशंस को देखते हुए आप इसको मीडियम टर्म के अंदर या लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड कर सकते हैं। बाकी तो मेरा तो ज़्यादा यही रहता है कि अपना जो बेसिक अमाउंट है वो निकाल लीजिए, उसके बाद आप शेयर होल्ड करना चाहते हैं तो उसको होल्ड कीजिए, ये सेफ तरीका है। इससे क्या है कि आप सेफ हो जाएंगे और आपको क्या है कि नुकसान भी नहीं होगा आगे। और बाकी दोस्तों कोई भी डिसीजन लें तो अपने रिस्क और अपना एनालिसिस आपको लगा के ही लेना है, ना मुझे देख के लेना है ना मेरी सुन के लेना है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको इसका आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, और रिव्यू आपको पसंद भी आया होगा। तो आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।